हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो जर्नी है स्टैंडर्ड टेंथ की, स्टैंडर्ड टेंथ साइंस। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेंथ साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 10, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस। जैसे भी जो बोर्ड है उसके अंदर इस चैप्टर में से वन मार्क का एक क्वेश्चन, टू मार्क का इक्वेशन एंड थ्री मार्क का इक्वेशन, यानी कि टोटल मार्क्स इस चैप्टर के 6 हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत इंट्रो कर देते हैं इस चैप्टर का। फर्स्ट, लाइट। व्हाट इज द लाइट? तो पहले इस चैप्टर में हम लाइट के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, फिर रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट पे जाएंगे और आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन वाले पॉइंट पे जाएंगे। रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट जो है उसके अंदर हम मिरर की बात करेंगे और रिफ्रैक्शन वाले पॉइंट के अंदर हम लेंस की बात करेंगे, किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, किस तरह से रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट नाउ लाइट। देन व्हाट इज अ लाइट एंड हाउ इट्स प्रोड्यूस एंड हाउ इट्स वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट। तो वी कैन से इट फर्स्ट, लाइट इज फॉर्म ऑफ द एनर्जी व्हिच इज एबल टू अस सी। नाउ यानी कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते। इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द लाइट इज अ एनर्जी प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन आवर आईज। यानी कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी आईज यानी कि हमारा एक सेंसिटिव ऑर्गन से उसके अंदर एक सेंस क्रिएट करती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम जो चीज देख रहे हैं वो चीज क्या है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो आप स्टैंडर्ड 9th के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज वेव्स एंड टाइप्स ऑफ द वेव। वेव दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव्स, दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स यानी कि जिसको पास आउट होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि सेकंड थिंग इज नॉन मैकेनिकल वेव्स, उसको पास आउट होने के लिए यानी कि ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि लाइट है वो नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसे वेव्स? नॉन मैकेनिकल। सेकंड, इट इज ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स। वी ऑल्सो नो दैट कि लाइट का जो रेज है ऑलवेज स्ट्रेट लाइट में ही पास आउट होता है। इट्स कास्ट एज अ शैडो, वो शैडो भी क्रिएट करते हैं, जबकि कोई भी लाइट पास आउट हो रही है उसके बीच में आप कोई भी ऐसा सरफेस रख दो या तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रख दो जिसके अंदर से लाइट आउट पास ना हो पाए, तो उसको हम उसकी वजह से क्या यहाँ पे बनेगा, शैडो बनेगा। इट हैज अ ड्यूल नेचर, उसका नेचर कैसा होता है, ड्यूल यानी कि समटाइम्स इट्स अपीयर लाइक अ वेव एंड समटाइम्स इट्स अपीयर लाइक अ पार्टिकल। कभी कभी हम वेव्स के फॉर्म में भी उसे देख सकते हैं और कभी कभी पार्टिकल के फॉर्म में। इट्स स्पीड इन द वैक्यूम यानी कि वैक्यूम में उसकी स्पीड है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट्स वैल्यू इज वेरी वेरी हाई यानी कि ऑलमोस्ट वी कैन से दैट कि अब हम बात करें तो एक सेकंड के अंदर वो 3000 लैक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है। ये उसकी स्पीड है वैक्यूम में। अब वैक्यूम में ये स्पीड है, जो लाइट की स्पीड होती है वो डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मीडियम के अंदर जिस तरह से मीडियम चेंज होगी तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे वैक्यूम में जो स्पीड है वो डेंसर, जैसे जैसे मीडियम यानी कि एयर आएगा, एयर के बाद कोई लिक्विड आएगा, उसके बाद कोई सॉलिड आएगा, तो उसके अंदर उसकी जो स्पीड है वो कैसे होती जाएगी, डिक्रीज, बिकॉज इट्स डिपेंड्स अपॉन द स्पीड जो है वो मीडियम पे डिपेंडेबल होती है। नाउ अब हम बात करेंगे इस टॉपिक का मेन जो चैप्टर का पॉइंट है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट जब हम कोई भी सरफेस पे इंसिडेंट करते तो उसके 3 केस यहाँ पे हमारे पास है। फर्स्ट, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस द फॉलोइंग सिचुएशंस मे अकर। फर्स्ट, इट्स अ सरफेस इज ऑक्यूपाई यानी कि शाइनी सरफेस होगी, पुलिश करी हुई सरफेस होगी, तो उसके ऊपर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इफ अ सरफेस इज ट्रांसपेरेंट यानी कि उसके अंदर से लाइट पास आउट हो सके इस तरह की सरफेस होगी, तो वी कैन से इट्स यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। एंड थर्ड वन इज, इट्स अ सरफेस इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा एंड पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि हमने यहाँ पे 3 केस देखे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 केस में से जब भी लाइट हम पास आउट हुए तो अगर वो शाइनी सरफेस है तो रिफ्लेक्शन,
अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्रैक्शन, एंड सेमी ट्रांसपेरेंट तो पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड पार्शियली रिफ्रैक्शन। तो इससे हमें अंदाजा आ सकता है कि जो रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट के अंदर हमें ऐसी सरफेस चाहिए जो शाइनी सरफेस हो। तो हम इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट में शाइनी सरफेस वाला ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं मिरर, वो मिरर की बात करेंगे। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन, उसके पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं मीडियम की। व्हाट इज द मीडियम? तो मीडियम इज एनीथिंग थ्रू आउट द व्हिच लाइट कैन पास, यानी कि लाइट जिसके थ्रू पास हो सकती है, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मीडियम कह सकते हैं। इट्स या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द रिफ्लेक्शंस। व्हाट इज द रिफ्लेक्शंस? व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द एनी पॉली सरफेस, इट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। इट इज अ फिनोमेना कॉल रिफ्लेक्शंस। वी कैन सी हियर, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज अ, ये जो है वो मिरर है, यानी कि शाइनी सरफेस है, उसके अंदर ऊपर हम यहाँ पे एक लाइट का रेज जो है वो इंसिडेंट कर रहे हैं, तो यहां से वो टोटली बाउंस बैक हो रहा है, यानी कि सेम मीडियम में वो क्या हो रहा है, बाउंस बैक, यानी कि वही मीडियम में वो फिर से जा रहा है। तो ये जो बाउंस बैक होने की जो फिनोमेना है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन एनी पॉली सरफेस, इट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉज है यहाँ पे, देयर आर टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सो वी हैव टू स्टडी फर्स्ट अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सी हियर, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नंबर, इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, इज डिनोटेड बाय द स्मॉल आई। एंड एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज डिनोटेड बाय द स्मॉल आर। सो फर्स्ट लॉ इज दैट द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो दैट आई इज इक्वल टू आर। सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे के सारे जो तीनों तीन ऑब्जेक्ट्स है वो एक ही प्लेन में होते। ये हुआ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन का लॉ। नाउ वी टॉक अबाउट द इमेज। व्हाट इज द इमेज एंड डिफरेंस बिटवीन देम एंड हाउ टू वी क्रिएट द इमेज। तो फर्स्ट, इट इज अ पॉइंट वेयर द एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे लाइट एक्चुअली मीट हो रही है, या तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो वहां पे मीट हो रही है। दो ऐसे रेज जो वहां पे एक पॉइंट पे मीट होते हैं, तो वो जो पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेज। देयर इज अ टू टाइप ऑफ द इमेज, फर्स्ट रियल इमेज एंड सेकंड इज अ वर्चुअल इमेज। नाउ वी कैन सी डिफरेंस बिटवीन देम। फर्स्ट ऑफ वी सी द रियल इमेज, इट इज अ फॉर्म व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली मीट, यानी कि लाइट के रेज जो होते हैं दो, हमने आगे बात की यहाँ पे कि इट्स अ पॉइंट वेयर द एटलीस्ट टू लाइट रेज, यानी कि मिनिमम दो पॉइंट तो हमें चाहिए ही चाहिए, दो रेज जिसकी वजह से हम इमेज क्रिएट कर सके। इट्स अ फॉर्म व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली मीट, इट इज फॉर्म व्हेन द लाइट रेज अपीयर्स टू मीट, यानी कि एक्चुअली में मीट हो रहे हैं तो वहां पे जो इमेज बन रही है उसे हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज। जबकि एक्चुअली में मीट नहीं हो रहे लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो वहां पे मीट हो रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्किन, रियल इमेज हम स्किन पे क्रिएट कर सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज हमें स्किन पे नहीं मिलेगी। इट्स ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी कि ऑलवेज कैसी होगी, उल्टी होगी। इट्स ऑलवेज इरेक्ट, यानी कि ये सीधी होगी। एग्जाम्पल्स, इमेज फॉर्म ऑन द सिनेमा स्क्रीन, एंड यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा, इमेज इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर हम इमेज कैसे मिल सकते? अब तो प्लेन मिरर में जो हमें इमेज मिल रही है वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। जो हम घर पे लेडीज मेकअप के लिए और जेंट्स शेविंग के लिए जो मिरर यूज करते हैं, वो जो मिरर होता है एक्चुअली वो कौन सा होता है, प्लेन मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, प्लेन। तो उसके अंदर जो इमेज बनती है उसे हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, और वो इरेक्ट होगी, जैसे हमें वैसे ही दिखेंगे। अगर हमारा मुंह ऊपर है और पांव नीचे है तो उसके अंदर भी हमें हमारे मुंह ऊपर और पैर नीचे ही दिखेंगे। नाउ स्टार्ट, अब हम देखते हैं कि प्लेन मिरर के अंदर इमेज किस तरह से क्रिएट होती है।
तो फर्स्ट फर्स्ट टेक अ प्लेन मिरर, तो वी कैन यूज द प्लेन मिरर. हियर वी कैन सी द प्लेन मिरर, ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है वो क्या है, प्लेन मिरर. पुट अ ऑब्जेक्ट ए बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट ए एंड बी वो मिरर के सामने रखना है. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ये ऑब्जेक्ट और ये मिरर उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इट्स डिनोटेड बाय द यू, उसको हम यू से डिनोटेड कर सकते हैं. एंड इट्स वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर, अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो उसके अंदर प्लेन मिरर के अंदर हमें एक इमेज दिखाई देगी, उसे हम कौन सी इमेज बोल सकते हैं, वर्चुअल इमेज. द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि मिरर और इमेज के बीच में जो यहाँ पे डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस. इज डिनोटेड बाय द वी, वो वी थ्रू आउट डिनोटेड हम कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली इमेज फॉर्म किस तरह से होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इमेज की फॉर्मेशन में जो मतलब डेफिनेशन देखी थी उसके अंदर देखा था एटलीस्ट टू रेज एक्चुअली मीट और अपीयर, यानी कि मिनिमम दो रेज तो वहां पे मीट होने ही चाहिए तो ही हमें लाइट का इमेज रेज का इमेज मिलेगा ऑब्जेक्ट का. तो फर्स्ट हियर पॉइंट ए, देखो यहां पे ऑब्जेक्ट की जो पॉइंट ए उसके थ्रू आउट एक रेज पास आउट हो रहा है और वो टोटली बाउंस बैक हो रहा है सेम पैथ पे, और दूसरा रेज यहाँ पे इस तरह से पास आउट हो रहा है और वो यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्टेड हो रहा है. तो अब ये वाला जो रेज है वो और ये वाला रेज है वो, उसको हम बैक साइड के जिस तरह से यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये दोनों पॉइंट एडेस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, एडेस पॉइंट पे दोनों मीट होते हैं. तो जो एडेस पॉइंट है उसको हम बोल सकते हैं कि वो ए का इमेज है. जो यहाँ पे हमें एडेस पॉइंट मिल रहा है वो एक्चुअली हमें क्या मिल रहा है, जो हमें ऑब्जेक्ट ए है उसकी हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे इमेज मिल रही है. उसी तरह से हम ए और बी के बीच में जो सारे यहाँ पे पॉइंट आए हुए हैं वो सारे के सारे पॉइंट की हम इमेज क्रिएट कर सकते. इसी तरह से हमें जो ऑब्जेक्ट ए बी है उसकी पूरी की पूरी इमेज यहाँ पे मिल रही है एडेस बीडेस, जो हमें इमेज. अब हमने जो यहाँ पे इमेज क्रिएट की है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ओके तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या तो प्रॉपर्टीज. Image is formed by the plane mirror is always virtual and erect, that we already know because the plane mirror से मिलने वाली जो image है वो virtual होती है और virtual image always कैसी होती है, erect होती है. The size of the image is equal to the object, so we can see that here size of the AB and size of the ADSB, यानी कि दोनों की side कैसी है, same. The image distance V is equal to the object distance. We can also see here the image distance, यानी कि distance between the mirror and object is equal to the distance between the mirror and image is equal. That's why we can write V is equal to U, where V is the image distance and U is equal to object distance. The image is laterally inverted. Laterally inverted, यानी कि जो उसकी side होती है वो side change हो जाती है. For example, we can see here. हम यहाँ पे देख सकते हैं first. The right sides of the objects appears at the left and left side at the right. यानी कि जब भी हम मिरर के सामने खड़े होकर हम देखते हैं तो हमारी जो लेफ्ट साइड है, यानी कि आप अपना लेफ्ट हैंड ऊंचा करेंगे तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड तो जो इमेज है उसका राइट हैंड वर्कआउट करेगा. सेम अगर हम हमारा राइट हैंड से कोई वर्क कर रहे हैं तो इमेज के अंदर वो किस तरह से होगा, लेफ्ट हैंड से, यानी कि जो उसकी साइड है वो साइड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. तो आज के इस टॉपिक में हम यहां तक की कंप्लीट करते हैं, बाकी का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो थैंक यू वेरी मच, एंड अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो यू कैन ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू सो मच.